It's Neander's birthday, part one. चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी जल्दी खट्टे करो। तुम बच्चे हम पर छोड़ दो। नहीं, लगता है अटक गया। ये तुम क्या कर रहे हो? अचानक धरती बहुत जोरों से हिलने लगी और अचानक अंधेरा चीरते हुए एक चमकती हुई आंख दिखने लगी। आखिर ये है क्या? वाह, कितना अच्छा मौसम है। हाँ, वो क्या है? नकाबपोश नियांडा? ये तो भैया के कमरे में जा रहा है, पर क्यों? जाकर पता लगाती हूँ। भैया, भैया नकाबपोश नियांडा, अरे कहाँ चला गया? हाँ, ये क्या, नीले रंग का गुलाब? ऐसा फूल तो पहले कभी नहीं देखा। भैया, ये नीले रंग का गुलाब मुझे आपके कमरे से मिला, कहाँ से आया? मुझे कुछ नहीं मालूम। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज भी नियांडर ने बढ़िया काम किया है। उसने डेगा कोंगू और बाकी सभी को नीले गुलाब वाले बड़ा बड़ा जंगल से बचा लिया है। तो इसका मतलब ये गुलाब? मुझे पता है भैया, मुझे पता है, नकाबपोश नियांडर आपके कमरे में आया था। तो शायद वो ही ये फूल लाया होगा। क्या, नकाबपोश नियांडर आपके लिए ये फूल क्यों लाया होगा? वो अब सुनो, मैं लेट हो जाऊंगा, ठीक है? बाय। हाँ, भैया को भी वही चोट लगी है जो नियांडर को लगी है। और नियांडर भैया के लिए वो गुलाब क्यों लाएगा? तो भैया ही तो तीन बार घुमाने वाली जब ज्यादा मजेदार है। मैं भी करता हूँ, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं मेरे प्यारे भैया, नकाबपोश नियांडर कभी नहीं हो सकते। सुनो नियांडर, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ, एक बहुत ही जरूरी काम है। क्या? हाँ, आता हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो नियागो, तो फिर तुम स्किपिंग करोगे ना? हाँ, वो क्या है कि, माफ कीजिए, मुझे टॉयलेट जाना है। नहीं, ये कभी नहीं सुधरेगा। ओ भैया, आप कब सुधरेंगे? शायद उनका पेट खराब होगा। शायद ये टॉयलेट की खिड़की है, यहीं से देखती हूँ। शुक्रिया पिदोरी। नियांडर, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। सुनो पिदोरी, निको का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। सुनो सुनो पिदोरी, नकाबपोश नियांडर का पीछा करते हो। सुनो सुनो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें हमारे घर नहीं आने दूंगी। सुना तुमने, फिर कभी तुम हमारे मनपसंद हॉट केक नहीं खा सकोगे। चलो प्लीज, भैया का पीछा करते हैं। मुझे भूख लगी है। तानुको, जो चाय तुमने बनाई है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। क्या?
भूख लगी है। ये कौन है? डेड टाउन और नियॉन के जंगल बहुत ही जल्दी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। नियागो, जल्द ही जंगल और टाउन नष्ट हो जाएंगे और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हें अपना मिशन याद है ना नकाबपोश नियांडर? जी मुझे याद है, जो मुसीबत में है उसकी मदद करना और शहर और जंगल में शांति बनाए रखना। और याद रखना कि सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। आप समझी, बूढ़े बाबा ने मेरे भैया को नकाबपोश नियांडर बना दिया। अरे मिको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़े बाबा, मैं तो कैट विज़र्ड हूँ। मैं ये जानकर बहुत हैरान हूँ कि मेरे भैया ही नकाबपोश नियांडर है, पर अगर मेरे बड़े भैया ये सब कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। अब मैं नियांडर की गर्लफ्रेंड तो बन नहीं सकती, तो मुझे ही नियांडर बना दो, मैं नियांडर बनना चाहती हूँ। मुझे भी उड़ने वाली चटाई और कपड़े दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं अपने भैया से ही ले लूंगी। क्या रहा है और आखिर ये हाय कौन? जो भी है हमारी तरफ ही आ रहा है। तेरे जंगल को बर्बाद करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मेरी हेलीकॉप्टर का कमाओ। मैं हेलीकॉप्टर को बुलाती हूँ। रुक जाओ मीको, ये नहीं हो सकता। रुको। रुक जाओ मीको, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। डेविल कैट जाग चुका है। ये डेविल कैट कौन है? बहुत बहुत समय पहले मैंने उसे एक बड़े पहाड़ के नीचे बंद कर दिया था। वो बड़ा राक्षस है और किसी वजह से वो आज जाग गया है। वो बहुत भूखा है और अब वो कैट टाउन की ओर जा रहा है अपने खाने की तलाश में। मैं नकाबपोश नियांडर बनूंगी और उसे एक ही झटके में मार गिराऊंगी। प्लीज मुझे नकाबपोश नियांडर बना दो। चुप हो जाओ, मतलब ही तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। बुरे बाबा मुझसे गुस्सा हो गए। मुझे माफ कर दो। तो आप मुझे उड़ने वाले कपड़े दे रहे हो? वो तो मेरे जंगल को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं सुपर नियॉन द ग्रेट सबसे भारी हमला करने वाला हूँ। देखते जाओ। ये क्या बकवास है? अब की बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नियॉन स्पिंडल। यह कोई खाने वाली चीज नहीं है और मैं तुम्हें स्वादिष्ट भी नहीं लगूंगा। कोई मुझे बुला रहा है। भैया मैं भी आ रही हूँ साथ में। सुनो मीको, तुम मुसीबत मत खड़ी करो। मैं उनकी मदद करूँगी। नकाबपोश नियांडर का पीछा करो, जल्दी जल्दी पीछा करो। सुनो डेविल कैट, ये सब रोको। अरे नहीं, डेविल कैट ने उन्हें पकड़ लिया है। लगता है कि वो उस डेविल के चंगुल से खुद को नहीं निकाल सकते। ओ भैया, पिदोरी, प्लीज मेरे भैया को बचाओ। मैं उन्हें अभी छुड़ा लेता, लेकिन क्या करूं? मैं जमीन पर नहीं जा सकता और उनसे नहीं लड़ सकता। ओ नहीं। मैं बस किसी को बंद कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं जाकर उन्हें बचाऊंगी। मुझे जल्दी चलना चाहिए। लगता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं। सुनो स्कूल बैग, प्लीज मुझे मेरे भैया के पास ले चलो, प्लीज। सुनो मीको, आज से तुम जूनियर नियांडर हो। जाओ और उनकी मदद करो। बचाऊंगी।
अरे जूनियर लिएंडर, क्या तुम ठीक हो? एक राक्षस डेविल कैट ने नकाबपोश लिएंडर और पिदोरी को पकड़ लिया है। अब मिको जूनियर लिएंडर बन गई है। उसके पास उड़ने वाली चटाई और कपड़े भी हैं, और हमें यकीन है कि वो पूरी कोशिश करेगी उन्हें बचाने की।